Hello everyone, now I am going to explain the question answer of class 7 science chapter 2 nutrition in animals. Students, इसके पहले हमने इसके टू parts में आपको explanation बताया है chapters का, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से animals में nutrition होता है और human beings में nutrition होता है. इस part में हम आपको explanation of question answer बताएंगे, means क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन. सो स्टूडेंट, ओपन पेज नंबर 20 एंड सॉल्व योर आंसर्स विथ मी. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. ह्यूमन में न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो आपको नंबर वाइज लिखना है. मींस फर्स्ट क्या होता है, तो फर्स्ट होता है हमारा इंजेशन. फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ एसिमिलेशन एंड लास्ट एजेशन. नाउ सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स. द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज. ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, सो आंसर इज लीवर. नाउ थर्ड, द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड. स्टमक रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसके साथ क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस, सो आंसर इज डाइजेस्टिव जूस. विच एक्ट ऑफ फूड, जो फूड पर एक्ट करता है और उसको स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करता है. नाउ थर्ड, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पर हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटवर्ड्स. बहुत सारी फिंगर लाइक आउटवर्ड्स होती हैं जिनको हम कहते हैं विल्लाई, सो आंसर इज विल्लाई. नाउ नेक्स्ट, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द. अमीबा अपना फूड डाइजेस्ट करता है, कहाँ पर करता है, इन द फूड वैक्यूल, सो आंसर इज फूड वैक्यूल. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक. स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है, इट इज ट्रू और फॉल्स. सो करेक्ट आंसर इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों फॉल्स है, इसका रीजन है कि जो स्टार्च का डाइजेशन होता है वो स्टमक में नहीं होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, नाउ नेक्स्ट है, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइबा. टंग हेल्प करती है फूड को मिक्स करने में विथ सलाइबा, सलाइबा के साथ. यस इट इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट, द गॉल ब्लैडर टेम्प्ररी स्टोर्स बाइल. गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करती है, टेम्प्ररी स्टोर करती है. ओके, इट इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वालोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, इट इज ऑल्सो ट्रू. रूमिनेंट्स, मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं. रूमिनेंट्स जैसे काऊ, गोट, बफेलो, ये एनिमल पहले तो ग्रास को स्वैलो कर लेते हैं और उनके स्टमक में एक पार्ट होता है उसमें वो स्टोर करके रखते हैं. उसके बाद वो टाइम टू टाइम माउथ में फिर से वापस आता है और फिर से च्यू करते हैं. ओके, सो इट इज़ ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट, फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द. फैट कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है किस पार्ट में, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है. सो ऑप्शन स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. सो करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, फैट कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में.
नाउ सेकेंड क्वेश्चन नंबर बी, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द, अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्जॉर्ब होता है किस पार्ट में, स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. सो करेक्ट आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन. स्टूडेंट कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और लार्ज इंटेस्टाइन में उससे वाटर एब्जॉर्ब होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम वन विद दोज गिवन इन कॉलम टू. कॉलम वन में फूड कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, कॉलम फर्स्ट में फूड कंपोनेंट्स दिए हुए हैं एंड कॉलम टू में प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन. आपको फूड कंपोनेंट्स में प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन को मैच करना है. ओके, सो नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स शुगर, इसको आप मैच करेंगे शुगर से. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोटीन, अमीनो एसिड्स एंड थर्ड फैट्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ये फूड कंपोनेंट्स हैं और डाइजेशन के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है इसको आपको मैच करना है. ओके, जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में एंड फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम पेज नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विलाई एंड व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन. विलाई क्या है, उनका लोकेशन क्या है और फंक्शन क्या है, मीन्स वो कहाँ पाए जाते हैं और क्या वर्क करते हैं. ओके, तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और ये टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. सो आंसर इज विलाई आर टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द बाल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल्स में पाए जाते हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं. अब ये क्या वर्क करते हैं, सो दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड द विलाई, विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती हैं फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड से. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड. बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है एंड विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, और ये किस फूड आइटम को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. सो आंसर इज लीवर सीक्रेट्स द बाइल जूस. बाइल जूस को लीवर सीक्रेट करता है विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है एंड बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और बाइल डाइजेशन ऑफ फैट्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन. कार्बोहाइड्रेट का वो पार्ट का नाम बताना है जो केवल रूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट करते हैं, ह्यूमन नहीं. गिव द रीजन ऑल्सो, और उसका रीजन भी आपको बताना है कि उसको ह्यूमन क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, केवल रूमिनेंट्स ही क्यों कर पाते हैं डाइजेस्ट. सो स्टूडेंट्स,
इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले मैं आपको सबसे पहले रूमिनेंट्स बताती हूँ कि रूमिनेंट्स है क्या। तो रूमिनेंट्स आर द एनिमल्स, रूमिनेंट्स वो एनिमल्स हैं दैट फर्स्ट स्टोर द स्वालोड ग्रास एट्सेट्रा, जो सबसे पहले ग्रास जो फूड खाते हैं एनिमल वो उनको स्वालो कर लेते हैं इन अ स्मॉल हम्प, उसको पहले स्वैलो कर लेते हैं मीन्स निगल लेते हैं और उसको स्टोर करके एक स्मॉल हम्प होता है स्टमक में उसमें रख लेते हैं एंड टाइम टू टाइम उसको बाद में फिर वो च्यू करते हैं, बाद में फिर से माउथ में लाते हैं और फिर उसको च्यू करते हैं और फिर वापस उसको डाइजेशन करते हैं। उन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। ओके, तो आपको बताना है कि वो कौन सा फूड है जो केवल रूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, ह्यूमन नहीं। सो आंसर इज सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स, जो केवल रूमिनेंट्स के द्वारा ही डाइजेस्ट होता है एंड नॉट बाय ह्यूमन, ह्यूमन के द्वारा नहीं। अब क्यों नहीं होता है वो देखिए। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। रूमिनेंट्स में एक लार्जेस्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, वेयर द फूड कंटेनिंग, जहाँ पर फूड कंटेन होता है। सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है कुछ बैक्टीरिया के एक्शन से। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि एज द सेल्यूलोज डाइजेस्टेड एंजाइम आर एब्सेंट इन देम, क्योंकि जो सेल्यूलोज डाइजेस्टेड एंजाइम या बैक्टीरिया एनिमल्स में होते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल्स में होते हैं, वो ह्यूमन में एब्सेंट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? सो आंसर इज ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर। ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है। कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन कंज्यूम्ड, जब हम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं मीन्स ईट करते हैं खाते हैं, हैव टू बी डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन के बाद मीन्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। एज ग्लूकोज कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब इन ब्लड, और ग्लूकोज ब्लड में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, और ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। व्हेन ग्लूकोज इज डायरेक्टली टेकन, इसीलिए हम ग्लूकोज को डायरेक्टली ले सकते हैं। इट डज नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड थस एक्ट एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसको हम एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। अब इसमें डिफरेंट एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस दी हुई है, इसमें आपको डाइजेस्टिव कैनाल के किस पार्ट में होती है ये प्रोसेस वो आपको राइट करना है। ओके, जैसे फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का एब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस में होता है। चीविंग ऑफ फूड, फूड का चीविंग किस पार्ट में होता है। इनके नेम आपको राइट करना है। सो आंसर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एंड चीविंग ऑफ फूड, फूड का चीविंग, फूड को हम च्यू करते हैं बक्कल कैविटी में जिसको हम माउथ भी कहते हैं। एंड किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल किया जाता है स्टमक में, क्योंकि फूड के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं जिनको स्टमक में किल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड,
फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है? सो स्ट्रेंट स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। सो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, फीसिस का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलरिटीज एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। अब आपको अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स में वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस राइट करना है। ओके, सो आवर आंसर इज, फर्स्ट सिमिलरिटी देखते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स में सिमिलरिटी, क्या सिमिलरिटी होती है? मीन्स एक जैसा। ओके, तो बोथ अमीबा एंड ह्यूमंस रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। मीन्स अमीबा एंड ह्यूमन दोनों को एनर्जी की आवश्यकता होती है, किसके लिए? ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, ग्रोथ और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। दिस एनर्जी इज डेराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट दे ईट। और ये एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? उस फूड से मिलती है जो वो खाते हैं। अच्छा, अब आप जानते हैं कि अमीबा क्या है। तो अमीबा एक यूनिसेल्यूलर एनिमल है। ओके, तो दिस एनर्जी इज डेराइव फ्रॉम द फूड दैट दे ईट। जो फूड वो खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है। द फूड दैट दे कंज्यूम इज ऑलवेज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और फूड जो ईट करते हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही कंज्यूम होता है। एंड इज देयरफॉर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। और फिर उसको ब्रोकन डाउन करते हैं, मीन्स तोड़ते हैं सिंपलर फॉर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। हैंस बोथ दीज ऑर्गेनिज्म आर हेटरोट्रॉप्स। इसलिए दोनों ऑर्गेनिज्म क्या है? हेटरोट्रॉप्स हैं। हेटरोट्रॉप्स क्यों हैं? क्योंकि इनको फूड की आवश्यकता होती है और ये अदर एनिमल्स से फूड लेते हैं। मीन्स फूड के लिए प्लांट या एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। तो चलो, अभी तो हमने देखा सिमिलरिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा, अब हम देखते हैं डिफरेंसेस। इन दोनों में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं? सो फर्स्ट डाइजेशन इन ह्यूमन, सबसे पहले हम ह्यूमन में डाइजेशन देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ह्यूमंस हैव अ माउथ एंड अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन में माउथ होता है और एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एंड अमीबा, अमीबा में क्या होता है? अमीबा में माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर एब्सेंट। अमीबा में ना तो माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इन द बक्कल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। डिफरेंट पार्ट्स से डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड इन अमीबा डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल, ओनली फूड वैक्यूल, केवल डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है फूड वैक्यूल में ही। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स स्टार्ट्स इन सेपरेट रीजन। मीन्स डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट फूड का डाइजेशन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का अलग होता है, प्रोटीन्स एंड फैट्स का डिफरेंट पार्ट में डाइजेशन होता है। लेकिन अमीबा में क्या होता है? ऑल द फूड कंपोनेंट्स आर डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। इसमें सभी फूड कंपोनेंट्स का डाइजेशन फूड वैक्यूल में ही होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विथ सूटेबल आइटम्स इन कॉलम 2।
कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करना है। सो फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड किसका सिक्रेशन करती हैं? सलाइबा का सिक्रेशन करती हैं माउथ में। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टमक। स्टमक एसिड रिलीज करता है। एंड लीवर। लीवर बाइल जूस सिक्रेशन करता है। बाइल जूस सिक्रेट करता है लीवर, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड रेक्टम। रेक्टम क्या है? स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड का स्टोर होता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इज कंप्लीटेड। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जैसे ही फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड रहता है, और डाइजेस्टेड फूड से वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। लेवल द फॉलोइंग फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फिगर दिया हुआ है, उसको आपको लेवल करना है, मींस उनके नेम राइट करना है, डिफरेंट पार्ट्स के नेम राइट करना है। ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम स्टूडेंट। फर्स्ट माउथ, वक्कल कैविटी। जैसा हमने बताया था कि माउथ, या इसको माउथ को हम वक्कल कैविटी भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर नीचे आती है, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ओके, फिर नीचे दिस इज स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक क्वाइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये लेंथ में 7 मीटर होती है, मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी होती है ये। एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस इज डायफ्राम, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। एंड गॉल ब्लैडर, दिस इज गॉल ब्लैडर। एंड बाइल डक्ट, ये गॉल ब्लैडर से ही लगा हुआ बाइल डक्ट है, इससे बाइल जूस सीक्रेट होता है, जो स्टमक में मिल जाता है। ओके, दिस इज बाइल डक्ट। एंड लीवर, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये लीवर है। एंड पैनक्रियास, ये स्टमक के नीचे, स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच वाला जो पार्ट है, ये पैनक्रियास है। एंड नीचे लास्ट में अपेंडिक्स। ओके, एंड लास्ट पार्ट इज एनस। सो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम से आप डायग्राम को लेबल कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 13। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास, डिस्कस। क्या हम केवल रॉ वेजिटेबल या लीफी वेजिटेबल या ग्रास खा के सर्वाइव कर सकते हैं, मीन्स जीवित रह सकते हैं, इसको डिस्कस करना है। ओके, सो आंसर इज नो। ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल और ग्रास। हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, केवल रॉ वेजिटेबल्स खा के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ बिकॉज द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। जैसा कि हमने बताया था कि ग्रास में सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कौन करता है? एनिमल्स। सेल्यूलोज को एनिमल्स सबसे ज़्यादा डाइजेशन कर लेते हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं। विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, दैट ह्यूमन्स आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट। ओके, ह्यूमन एबल नहीं होते हैं डाइजेस्ट करने में। क्यों नहीं होते? क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, क्योंकि ह्यूमन में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम एब्सेंट रहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट आंसर। योर क्वेश्चन आंसर ऑफ सेकेंड चैप्टर कंप्लीटेड। सो राइट इन योर कॉपी एंड लर्न। और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल में न्यू है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल
एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आगे आने वाले चैप्टर्स भी उनके पास इजीली आ सकें। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।